हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज। आज हम फंक्शन का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गया हूँ। यह जो है ना प्रैक्टिस सेशन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एफ ऑफ एक्स बराबर है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन के पावर 4x बटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस के पावर 4x। एक्स बिलोंग टू रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है एक्स। तो अभी एफ ऑफ 2020 का वैल्यू क्या हो जाएगा। अभी 2020 ही चल रहा है ना, तो इसलिए हमने डाल दिया कि एफ ऑफ 2020 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा। एफ ऑफ 2020 एक्स की जगह पुट किया जाएगा तो ना जाने कितना वैल्यू आएगा, बहुत परेशानियाँ हो जा सकती है। सबसे पहले ना इसको हम हल ही कर लेते हैं। चलिए तो देखिए, कोस स्क्वायर एक्स है प्लस साइन के पावर 4x बटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस के पावर 4x। उसको एक काम करते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम कोस स्क्वायर एक्स को रहने देते हैं और इसको ना हम चेंज कर देते हैं कोस में, सेम में यदि करके अगर देखते हैं तो हो सकता है कट जाएगा। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स की के स्क्वायर इसको कर देते हैं, उसके बाद इसको ना साइन स्क्वायर एक्स को भी चेंज ही कर देते हैं। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये कोस के पावर 4x हो जाएगा, ठीक है। ये कोस के पावर 4x तब आएगा मित्र ऊपर जब इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर तोड़ेंगे। तो देखो अगर हम तोड़ते हैं तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को तो हम 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख ही सकते हैं एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन कोस के पावर 4x। हम चलते हैं इधर देखते हैं, तो इसको हम जैसे ही तोड़ेंगे मित्रों तो आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 के स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर के स्क्वायर कोस के पावर 4x यानी 1 है, और माइनस हो जाएगा 2ab, तो 2ab हो जाएगा तो -2 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप मित्र कि ऊपर आ गया। अगर हम छोड़िए पहले लिख ही देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर कोस के पावर 4x। अब तो चांस बन रहा है कि उत्तर आ जाएगा, है ना। और उत्तर आएगा तो भी वो एक ही आएगा। कोस स्क्वायर एक्स प्लस में ही है माइनस में, तो -2 कोस स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर जाएगा तो -x² बचेगा, ठीक है। -cos² x बचेगा, +1 है हमने +1 लिख दिया। कोस के पावर 4x है, कोस के पावर 4x लिख दिया, और बटा कितना है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस के पावर 4x, ठीक है। ये भी कोस के पावर 4x, यहाँ भी कोस के पावर 4x, +1 तो +1 -cos² x -cos² क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। वैल्यू कितना आया, 1 आया, ठीक है। तो 1 वैल्यू आया मित्रों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका 1, मतलब ये इसका सही उत्तर है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की, ठीक है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको देखिए, मोबाइल के फ्लक्स लाइट से ही आपको वीडियो बनाकर दे रहे हैं। तो देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर कोस पाई ऑफ एक्स, ये जो पा ये जो है ना दिखा गया, ये ग्रेटेस्ट रिजर्व फंक्शन है, ठीक है। ऐसे ही बड़ा कोस्ट मान करके इसको सॉल्व ना कर लीजिएगा। यहाँ पर लिख दिया गया है कि ये जो दिया गया है ना वाई का महत्तम पूर्णांक फलन है वह, तब एफ ऑफ पाई बाई टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ से आप कंडीशन देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं मित्र, क्वेश्चन को मैं उतार लेता हूँ, ठीक है। ग्रेटेस्ट जो फंक्शन है ना इसको लिख देना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत ज़रूरी है मित्र। एक समय लिख दिया तो कोस पाई एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये पाई है ना, पाई का वैल्यू कितना होता है, का एक पाई का वैल्यू होता है 3.14 होता है, ठीक है। इसको रहने देते हैं, ठीक। चलिए और इसको पाई एक्स ही रहने दो। अभी हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, एफ ऑफ ये क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर है ना, ठीक है। अभी एफ ऑफ एक्स ही रहने दो। चलिए जो ग्रेटेस्ट रिजर्व फंक्शन है 3.14 रहेगा तो दे देगा इसका वैल्यू 3 दे देगा, तो कोस 3x हो जाएगा, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में भी ग्राफ से समझाया है, तो मैं बार बार ग्राफ से मैं समझा नहीं सकता हूँ। ऐसे ही समझ लीजिए कि 3.14 है तो इसका वैल्यू 3 देगा, 3.3 भी है तो वैल्यू 3 ही देगा। इसी तरह से
नंबरिंग के साथ 9 तक अगर जाएगी फिर भी इसका वैल्यू 3 ही देगा। अगर यही अगर माइनस में रहता 3.9 तो इसका वैल्यू देता -4 देता। -3.3 रहता तो इसका वैल्यू क्या देता -4 देता। -3.14 रहता तो इसका वैल्यू क्या देता -4 देता। ठीक है, तो समझ सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं। तो कोस 3x आ गया और प्लस कोस इसको पाई एक्स ही रहने दे क्योंकि ये अंदर ही है। अब क्या करते हैं, एक्स का जो है पाई बाई टू वैल्यू पुट करते हैं, हमको याद भी करना है पाई बाई टू। तो जैसे ही हम पुट करते हैं मित्र तो कितना आ जाएगा, कोस 3 पाई बाई टू आ जाएगा और प्लस कोस पाई गुने पाई बाई टू आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू तो 0 आ जाएगा मित्रों। क्यों आ जाएगा सिर्फ बता दे रहा हूँ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस पाई प्लस पाई बाई टू वापस आ जाएगा 2 पाई और 1 पाई 3 पाई बाई 2 आ जाएगा वापस। ठीक है, प्लस कोस कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। ठीक है, तो कोस पाई प्लस थीटा किस चतुर्थांश में चला जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में चला जाएगा। कोस क्या होता है माइनस होता है, तो हो जाएगा माइनस कोस बाई पाई बाई टू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्रों पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 होता है, इसका स्क्वायर और बटा 2 है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर रहता है। तो माइनस कोस पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है मित्रों, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि कोस का जो ग्राफ जाता है इस टाइप का ऐसे ऐसा जाता है, तो यहाँ 0 होता है, पाई बाई टू होता है। तो पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है 0, क्योंकि मूल बिंदु के सामने है 0 इसका वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 9 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, बटा 2 है ना, 9 पॉइंट के बाद को जा सकता है, इसे भाग कर लीजिए कितना आता है 0 प्लस। ठीक है, अभी इसको हम क्या करते हैं 2 से भागा देते हैं, तो 2 चौके 8 4 पॉइंट कुछ हो समथिंग आ सकता है। ठीक है, मतलब 4.5 और समथिंग जा सकता है, चलिए है ना। तो अब देखिए कोस, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से 4 पॉइंट कुछ भी रहेगा तो वैल्यू क्या देगा 4 ही देगा। 9 तक जाएगा फिर भी 4 ही वैल्यू देगा, 4.9 तक भी जाएगा तो कोई हो जाएगा कोस 4 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कुल टोटल तो एफ ओ पाई बाई टू का वैल्यू कितना आया, एफ ओ पाई बाई टू, एफ ओ पाई बाई टू का वैल्यू कितना आया कोस 4 है। तो आप देख सकते हैं मित्रों कि ऑप्शन में कोस पाई बाई कोस 4 कहाँ है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। मजा आया क्या, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहा है आपको सीखने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम देने वाले हैं और दूंगा भी, सिर्फ हमें थ्योरी करवाऊंगा फेस के साथ वीडियो पर, और क्वेश्चन जो दूंगा प्रैक्टिस जो करवाऊंगा इसी तरह कॉपी पर करवा दूंगा, पेज पर है ना, फोटो कॉपी वाले पेज पर जिसको सेंचुरी कहते हैं उस पर मैं करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मेरा भार भी कम पड़ेगा, नहीं तो बोर्ड पर जाइए आने जाने में समय लगता है, फिर समझाना है ना काफ़ी समय लग सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो कम से कम और बच्चों को पास शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी सीख ले, है ना, वो क्यों रहेगा ऐसे, सभी लोग नॉलेजेबल बन जाए। अच्छे अच्छे क्वालिटी का वीडियो मैं दे ही रहा हूँ है ना, इतना कॉन्सेप्ट के साथ। तो फिर वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।